हेलो एवरीवन, ईवी मल्टी कार केयर में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं BMW 525D सीरीज, इसमें एक कस्टमर का कंसर्न था, एसी नहीं चल रहा है उसका, देख सकते हो आप। तो हमने चेक किया कि इसका एसी क्यों नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम को हमने जब डायग्नोस किया, आप देख सकते हो इसका कंप्रेसर यूनिट यहाँ पे होता है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये हमने इसका मैग्नेट निकाला हुआ है, मैग्नेट कॉइल ये रहा। जब हमने प्रॉब्लम डायग्नोस किया, ये देख, ये इसका मैग्नेट कॉइल है एसी का, ये वर्क नहीं कर रहा है। हमने इसको चेक किया, पता कैसे चला कि ये वर्क नहीं कर रहा है? मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे तो इसका कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ये अंदर से कहीं शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और अभी हम देख सकते हो आप, ये यूनिट को हमने खोल रखा है, ये इसका मैग्नेट कॉइल है, ये वाला यूनिट, और ये हमारा नया मैग्नेट कॉइल है BM का। अब इसको हम फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद गाड़ी की कूलिंग अच्छी हो जाएगी। देख सकते हो आप, हमने इसका मैग्नेट कॉइल लगा दिया है, ये जो घूम रहा है, बराबर इसका कंप्लीट फिटिंग किया है। ये इसका इंजन अभी चालू है, अभी जो कूलिंग आ रही है एकदम चिल्ड। इसी तरीके से और भी वीडियोस हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।